सदन में दृश्य देखने को मिला, हम सभी के लिए शर्मसार हुए हैं, क्योंकि इस तरह से सदन की गरिमा को जो धक्का पहुंचाया गया। और कुछ दिन पहले ही आदरणीय हमारे नेता तेजस्वी जी ने कहा था कि जो कटाक्ष किया था और जो मीडिया ने भी कहा था कि आपने कैसे कैसे लोगों को मंत्री बना दिया है, तो देखिए ऐसे ऐसे लोगों को ही लोगों ने मंत्री बना दिया है, वो प्रूफ हो गया। और बहुत ही बेहद ही शर्मनाक, और उस पद की गरिमा मैं व्यक्ति की नहीं, इस पद की गरिमा बनी रहनी चाहिए। और लोकतंत्र की जो आधारभूत संरचना है और इसको जो आहत करने की कोशिश की गई है, तो निश्चित रूप से सत्ता की जो सुशासन, बाबू की सुशासन है, उसकी पोल खुलती हुई नजर आती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिकन न्यूज और मैं हूं शिवम कुमार। बिहार विधानसभा बजट सत्र की शुरुआत आज काफी हंगामेदार हुई। आपको बता दें कि बिहार सरकार के मंत्री सम्राट चौधरी ने विजय सिन्हा को उंगली दिखाई और उनको कहा कि ज्यादा उतावले नहीं होइए। उसके बाद सदन की कार्रवाई को 2 बजे तक स्थगित कर दिया गया। आपको बता दें कि विपक्ष जो था वो सीधे तौर पर सवाल पूछ रहा था कि आखिर जो विधानसभा की गरिमा है उसको ठेस पहुंचा गया है, क्योंकि जिस तरह से विजय कुमार सिन्हा जो कि विधानसभा के अध्यक्ष हैं और उनको एक मंत्री के द्वारा उंगली दिखाकर इस तरह का बयान देता है, ये कहीं से अशोभनीय नहीं है। जब सदन की कार्रवाई आज खत्म होती है तो जब राजद की विधायिका संगीता कुमारी बाहर निकलती हैं, तो जब हमने उनसे बात किया तो उनका सीधे तौर पर कहना था कि आज जिस तरह से एक बिहार सरकार के मंत्री की तरफ से इस तरह का बयान आता है, ये काफ़ी शर्मनाक है और इससे सदन भी काफ़ी शर्मसार हुआ है और हम लोग भी काफ़ी शर्मसार हुए हैं। नीतीश कुमार बातें करते हैं कि हमारी सरकार सुशासन की है, लेकिन जिस तरह के उनके मंत्री का बयान आता है, इससे साफ पता चलता है कि नीतीश कुमार के बातों में कितना दम है। लगातार सुशासन को लेकर सवाल भी पूछती है विपक्ष, और एक बार फिर से संगीता कुमारी ने भी सवाल उठाए हैं कि नीतीश कुमार शराबबंदी जैसे कानूनों को लेकर लगातार बातें करते हैं लेकिन पूरी तरह से फ्लॉप है। और इनके मंत्री जो दागी, जो जिस तरह से तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया था कि नीतीश सरकार में कई ऐसे मंत्री हैं जो दागी हैं, तो उसको भी लेकर एक बार फिर से संगीता कुमारी ने बातें रखी है और कहा है कि एक मंत्री को इस तरह का बयान कहीं से शोभा नहीं देता है। माफी मांग लेने से भी कोई बात नहीं होगी क्योंकि सदन जो है वो शर्मसार हो चुका है। आइए सुनते हैं और भी क्या कुछ कहना है राजद विधायिका संगीता कुमारी। संगीता जी, जिस तरीके से सदन, रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए ना भैया, चलिए। अमन आरोप पक्ष से लगता रहा, लेकिन सदन में भले ही माफी मांग ली गई है, विधानसभा अध्यक्ष की गरिमा, सदन की गरिमा पर सवाल आए। हाँ, निश्चित रूप से बेहद ही जो आज सदन में दृश्य देखने को मिला, हम सभी के लिए शर्मसार हुए हैं, क्योंकि इस तरह से सदन की गरिमा को जो धक्का पहुंचाया गया। और कुछ दिन पहले ही आदरणीय हमारे नेता तेजस्वी जी ने कहा था कि जो कटाक्ष किया था और जो मीडिया ने भी कहा था कि आपने कैसे कैसे लोगों को मंत्री बना दिया है, तो देखिए ऐसे ऐसे लोगों को ही लोगों ने मंत्री बना दिया है, वो प्रूफ हो गया। और बहुत ही बेहद ही शर्मनाक, और उस पद की गरिमा मैं व्यक्ति की नहीं, इस पद की गरिमा बनी रहनी चाहिए। और लोकतंत्र की जो आधारभूत संरचना है और इसको जो आहत करने की कोशिश की गई है, तो निश्चित रूप से सत्ता की जो सुशासन, बाबू की सुशासन है, उसकी पोल खुलती हुई नजर आती है। जिस अनुशासन की बात करते हैं उसकी पोल खुलती हुई नजर आती है, जिस शराबबंदी की बात करते हैं उसमें जैसे, और एक तरह से बेहद आप क्या संदेश देना चाहते हैं, और बार बार आप कहते हैं कि सत्ता, हम लोग बहुत ही अच्छा, हम लोग हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं। किस क्षेत्र में काम कर रहे हैं जब आपके मंत्री जी ही सदन की गरिमा को आहत कर रहे हैं, तो किस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं और क्या संदेश देना चाह रहे हैं? और 16 साल आपने शासन कर लिया, 16 साल की शासन संभालने वाली सरकार जब इतनी छोटी हरकत करती है, तो समझ में आता है कि सरकार की नीति और नियत पर सवाल उठता है। बिल्कुल नहीं, एक माफ़ी, ये माफ़ी लायक काम ही नहीं है, इसमें ये माफ़ी के लायक नहीं है, क्योंकि सदन में पहुंचने वाले व्यक्ति को समझ होनी चाहिए कि पद की गरिमा, उस कुर्सी की मर्यादा कोई की समझ होनी चाहिए। ना समझ लोग इस सदन में नहीं बैठते हैं, और आपको 14 करोड़ जनता ने चुनकर यहाँ बैठाया है, और हमें इसलिए नहीं कि हम नादानी हरकत करें। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सरकार की नीति और नियत बिल्कुल उस पर शक हो जाता है, और सरकार की जो कथनी है करनी है, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। और हर क्षेत्र में जो आप जिस जनता ने, हालांकि जिस जालसाजी से ये सरकार आई है, और जिस तरह से सत्ता का, प्रशासन का दुरुपयोग करके इस सत्ता को संभाला गया है, और उस तरह से ये सरकार आई है, और इस तरह से ऐसी घटनाएँ आ रही हैं, और बहुत ही हम सभी, क्योंकि मैं पहली बार इस सदन में पहुंची हूं, और इस तरह से मैंने उस पद को जो जिसने अपमानित करने का मंत्री जी ने किया है, हम सभी बहुत क्रोधित हुए, और सदन में हमने ये बात कहा कि नहीं, इस कुर्सी का अपमान अपने किया, और ये क्षमा योग्य काम नहीं है मंत्री जी का।
रिपब्लिकन न्यूज से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।